गाइस, तो देखिए ये है मेरी पुरानी सेटअप की किचन, जो कि मतलब बहुत ही मतलब बिल्कुल भी ऑर्गेनाइज नहीं है। सारा सामान ऐसे ही खुला हुआ पड़ा है। और ये मेरी दूसरी किचन है, इसको मैंने अर्जेंट में तैयार किया है, मुझे अर्जेंट में बनवाना पड़ा है, क्योंकि पहले मेरी किचन दूसरी थी, बट कुछ रीजन्स की वजह से मुझे वहाँ से मतलब खाली करना पड़ा उस किचन को। घर नहीं बट किचन, यस किचन मुझे थोड़ी अलग करनी पड़ी कुछ रीजन्स की वजह से। तो मैंने, और यहाँ पर हमारे यहाँ ना सिलेंडर अलाउ नहीं करते, तो मुझे अर्जेंट में इतना खर्चा करके ये गैस भी लगानी पड़ी। मतलब ये जो पाइपलाइन वाली है, हमारे यहाँ यही चल रही है, तो हमें इसको भी मतलब तुरंत ही लगवाना पड़ा, वरना मैं चाहती तो बाद में भी लगवा सकती थी, क्योंकि पैसों की थोड़ी कमी थी ना, तो भी मुझे लगवाना पड़ा। बट खाना गैस के बिना तो कैसे बन सकता है। तो ये है मेरी किचन, मतलब क्योंकि मतलब अभी ऑर्गेनाइज नहीं है बिल्कुल, बस मैंने ऐसे ही थोड़ा कर लिया था। तो इसमें ना जब कभी, और ये जो मतलब नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉर्नर है, ये कॉर्नर मेरा डेकोरेशन वाला कॉर्नर है, जो कि मेरे रूम में रखा हुआ था, तो इसको मैं डेकोरेट करती थी फ्लावर फ्रेम वगैरह से। बट किचन में मुझे सामान रखने के लिए ज़रूरत पड़ रही थी, तो मैंने इसको यहाँ पर रख दिया है। तो इस तरीके से ही मैं चीज़ों को यूज़ करती रहती हूँ, इधर का उधर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मतलब जो हमारे किचन के ऊपर होता है ना, जो भी कुछ रैंक वगैरह होती है, एक्चुअली चिमनी तो नहीं लगी है ना मेरी किचन में, तो यहाँ पर जो रैंक वगैरह होती है ना, तो देखिए कितना चिपचिप हो जाता है पूरा। हाँ, ये स्टीम निकलती है ना, तो पूरा चिपचिप हो जाता है, कितना भी साफ़ करो फिर ये साफ़ नहीं होता। तो मैं पन्नी बिछाती हूँ, क्योंकि ये होता है ना, फिर जब भी सफाई करती हूँ तो इस पन्नी को मैं रिमूव कर देती हूँ, मतलब हटा देती हूँ, दूसरी वाली बिछा देती हूँ। और ये एक शोकेस है, जो कि मेरे हस्बैंड ने अपनी शॉप का रेनोवेशन करवाया था, तो उन्होंने इसको निकाल दिया, तो मैंने कहा लाओ मुझे दे दो, मैं किचन में यूज़ कर लूँगी। और देखिए बस इसकी जो हुक्स वगैरह हैं, तो अभी निकले हुए हैं, इसके शीशे वगैरह जो प्लेट्स लगी हैं वो निकाल दी गई हैं, क्योंकि मुझे सफ़ाई करनी थी, बहुत गंदा हो रहा था तो मुझे सफ़ाई करनी थी। और अब यहाँ पर देख सकते हैं ये जो बास्केट है, तो इसमें मैंने यहाँ पर बर्तन अरेंज किए हुए हैं, जो कि वेजिटेबल वाली बास्केट होती ना, वो 3 लेयर में थी, तो मुझे ऑलमोस्ट 2 में आ जाती है, तो मैंने एक को निकाल कर इसमें इस तरीके से बर्तन अरेंज कर दिए। और ये प्लेट्स हैं, जो कि मैं इनको नीचे की साइड रख दे रही हूँ, क्योंकि अगर गिर गई तो टूट जाएंगी। तो फटाफट से मैं अपना सफाई शुरू करती हूँ, और जो भी सामान है सबसे पहले मैं फटाफट से उनको नीचे रख दूँगी, और जो भी वहाँ की सफाई थोड़ी सी चिकना चिकना हो रहा है ना, उसको साफ़ करके और उस पर पन्नी अरेंज कर दूँगी, और उसके बाद अपना वो सामान रखूँगी जो ऑयली वगैरह ना हो पाए ज़्यादा। तो देखिए यहाँ पर मैंने अपना फटाफट से जो भी सामान है सारा एक एक करके धीरे से उतार लिया है। और मैं आपको एक बात बताऊँ, मैंने अपनी किचन में बहुत सारी होम्स मतलब मेड चीज़ें हैं, जो ऑर्गेनाइज करने के लिए यूज़ की हैं, तो फिर मैं आपको दिखाऊँगी, आप भी वो हैक्स ट्राई कर सकते हैं, बहुत अच्छे हैं। और आपकी किचन में काफ़ी मतलब जो भरी रहती है सामान से, वो भी काफ़ी खाली स्पेस आपको मिलेगा, जो कि अच्छा होता है, क्योंकि हमारी जो किचन है फर्निश्ड नहीं होती है, तो मतलब जिनकी नहीं होती है, तो जो भी ऊपर होता है ना रैंक वगैरह होती है, सारा चिकना हिकना हो जाता है। मुझे तो बहुत दिक्कत होती है मतलब इस चिप चिप चिपी चीज़ों से, और वो चीज़ें होती हैं इनको रोज़ रोज़ वॉश भी नहीं कर सकते, तो मैं अब कुछ ऐसा करूँगी। तो सबसे पहले ना मैं प्लेट्स को यहाँ पर अरेंज कर देती हूँ, क्योंकि अगर एक भी प्लेट सफाई वफाई में टूट गई तो सारा सत्यानाश हो जाएगा। और इन प्लेट्स को अरेंज करना काफ़ी मतलब पहले मुझे डिफ़िकल्ट लग रहा था, मैं अपने हस्बैंड से बोल रही थी, करीब 1 वीक से बोल रही हूँ कि ये लगा दो, पर उन्हें टाइम ही नहीं मिल रहा, टाइम मिलता तो आलस आता। तो फिर मैंने सोचा लाओ एक बार खुद से ही ट्राई करते हैं, क्योंकि जब तक हम ट्राई नहीं करेंगे तो कोई चीज़ हमें आएगी नहीं। तो मैंने ट्राई किया और मुझे बहुत इजी लगा, और मैंने खुद ये सब कुछ कर लिया, कुछ नहीं था, बस इसमें जो बोल्ट होते हैं ना छोटे छोटे से, उनको निकालना था, और बस प्लेट फंसानी थी, फिर से उनको कस देना था। तो उनके इतना तो मैं कर सकती हूँ, बट थोड़ा लेखने में लग रहा था कि नहीं कर पाऊँगी, बट मैंने ट्राई किया तो हो गया मुझसे। बस देखिए यहाँ पर मैंने इस तरीके से इसको कर दिया है, और सारी प्लेट्स को मैंने इसी तरीके से अरेंज कर दिया। और इसमें से जो एक प्लेट थी ना बड़ी, वो फिट नहीं आ रही थी, मुझसे हो नहीं रहा था, तो उन्होंने उसको भी यूज़ किया है। कहाँ यूज़ किया अभी आपको दिखाती हूँ। और जो दूसरी साइड होती है ना, वहाँ पर हुक नहीं थी, तो मतलब जो बुलेट वगैरह लगाए जाते हैं वैसे हुक नहीं थी, तो वहाँ पर मैंने स्टिकी वाले जो बुलेट्स होते हैं ना वो लगा दिए, जिससे वो उसको हक करके एकदम से स्टिक हो जाएंगे उस पर, और वो उसको गिरने नहीं देंगे। और देखिए यहाँ पर मैंने जो पन्नी बिछाई जाती है उसको भी चेंज कर दिया है,
दूसरी वाली बिछा दी है पूरी, सबको टेबिंग से कर दी, जिससे कि अब जो अगर स्टीम निकलेगी ना वही वाली, तो नीचे का जो होता है ना वो भी बहुत गंदी हो जाती है, तो वो भी साफ़ नहीं होती, कितनी भी मेहनत करो साफ नहीं होती है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने पूरी सफाई कर ली है, और ये सफाई करने में मुझे पूरे 2 घंटे लगे हैं। मैंने 3 बजे शुरू हो गई थी और 5:05 हो रहे हैं इस टाइम। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर देखिए कॉर्नर पे मैंने इस तरीके से बस बच्चों के टिफ़िन है और ये जो बॉक्सेस हैं इनमें कुछ ना कुछ खाने के लिए जब आता है तो वो बच जाते हैं, तो मैं इनको रख लेती हूँ। और इनको ना जैसे कि मैं सब्जी वगैरह कट करके, अभी अर्जेंट में बच्चों को सुबह ब्रेकफास्ट वगैरह देना होता है, तो उसको कट करके फ्रीज में ऐसे ही रख देती हूँ, तो ईजी पड़ता है। तो इसलिए इन बॉक्स को मैं फेंकती नहीं हूँ, इनका भी यूज़ कर लेती हूँ। और यहाँ पर आप देखिए मैंने यहाँ पर अपने माइक्रोवेव के ऊपर एक प्लेट में सारा सामान अरेंज किया है, वो इसलिए क्योंकि अगर माइक्रोवेव को मैं कभी यूज़ करूँगी ना तो एक एक करके नहीं उठाना पड़ेगा, बस इस प्लेट को ऐसे करके उठाऊँगी, नीचे रख दूँगी, यूज़ करूँगी, उसके बाद मैं फिर से इसको रख दूँगी। और यहाँ पर भी देखिए मैंने यहाँ से जो बर्तन वाली बास्केट थी उसको भी हटा दिया, अभी थोड़े से बर्तन मैंने नहीं धोए, बच्चों के लंच बॉक्स वगैरह पड़े हैं। और ये देखिए यहाँ पर बहुत गंदा हो जाता है, क्योंकि हम जो डेली डेली के बर्तन वॉश करते हैं ना तो यहाँ छींटे आते हैं, तो उनके दाग धब्बे बहुत पड़ जाते हैं, तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। और देखिए जो मैंने बताया था ना कि मैंने शोकेस की एक प्लेट को बचा लिया, तो उसको मैंने यहाँ पर इस तरीके से लगा दिया है, क्योंकि अब मैं छोटी मोटी चीज़ें इस पर रख सकती हूँ, इसको यूज़ कर सकती हूँ, तो बस इसलिए मैंने इसको यहाँ पर यूज़ किया है। और ये देखिए यहाँ पर मैंने पोहा की तैयारी की है, क्योंकि ये सब 5 हो गए हैं तो बच्चों को भूख भी लगाई है, तो मैं साथ ही साथ, तो देखिए यहाँ पर साथ ही साथ मैंने पोहा बनने के लिए भी रख दिया है, तो वो भी बना के दे दूँगी। और हमारी सफाई है लेकिन बच्चों को भूखा तो नहीं रख सकती, तो बस इस तरीके से देखिए मैंने सारा सामान अपना अरेंज किया हुआ है। पर कुछ इस तरीके की चीज़ें यूज़ की हैं, जैसे कि ये बॉक्स बनाया है, तो इसमें मैंने मतलब इस तरीके से जो बॉक्स होते हैं छोटी छोटी सी डिब्बियाँ होती हैं, तो उनको मैंने इस तरीके से अरेंज किया है, और अगर इनको हम खुला रख देते हैं ना तो बिखरी बिखरी घूमती रहती हैं, तो उनको मैंने इकट्ठा इस तरीके से एक बॉक्स को मतलब कट करके बनाया है, तो इसका भी वीडियो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। तो इस तरीके की मैंने बहुत सारी चीज़ें तैयार की हैं, लाइक इस तरीके का ये बॉक्स, फिर ये बॉक्स भी मैंने बनाया है, तो इनसे ना सामान अरेंज रहता है, बिखरा बिखरा नहीं रहता। और इन बॉटल्स को अगर मैं यहीं ऐसे खुली लगाऊँ तो चिकना होने का भी डर रहता है, और फिर वो बिखरी गिरती गिरती भी रहती हैं, तो इस तरीके से रखेंगे तो स्पेस खाली हो जाएगा। और अब देखिए मैंने जो किचन के ऊपर जस्ट चॉप था उस पर मैंने मतलब कप वगैरह रखे हैं, जो कि डेली वॉश होते हैं, डेली यूज़ होते हैं, तो डेली वॉश होते हैं, तो उनका चिकने होने का कोई मैटर ही नहीं बनता। और अब मैं आपको यहाँ पर दिखाती हूँ कि जो मैंने शोकेस लिया था उसमें मैंने अपना सामान किस तरीके से अरेंज किया है। तो इस पर मैंने अपनी कुछ क्रॉकरी, कुछ कप्स वगैरह जो कांच के सामान होते हैं ना उसको मैंने इसमें लगा दिया है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है ना चूहे वगैरह भी घुस जाते हैं तो गिरा देते, कई बार कप वगैरह वहाँ मैं ऊपर लगा दी थी ना तो चढ़ जाते थे, तोड़ देते थे। अब इसमें लगा दिए तो इसको बंद कर देती हूँ, तो बस यहाँ पर अब पहली बार तो मैं अब घुसने ही नहीं देती हूँ, सारा बंद कर दिया मैंने, अगर आ भी जाते हैं तो अब कोई नुकसान नहीं पहुँचाते हैं। तो बस इस तरीके से मैंने अपनी इस छोटी सी किचन को ऑर्गेनाइज़ किया है। आई होप कि आपको अच्छा लगा हो, अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।